नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हवेली की यक्षिणी। हवेली की यक्षिणी, कहानी विजय कुमार बस, चित्रकार हरविंदर मांकड़, सुनील जॉली। बहुत समय पहले की बात है, बिंदल नगर राज्य में किरोड़ीमल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ज्ञानी ध्यानी था, दीन दुखियों को वह खूब दान देता था। सेठ किरोड़ीमल बहुत ही दयालु हैं, भगवान सेठ किरोड़ीमल को सदा सुखी रखे। सारे बिंदल नगर में उसकी दानशीलता के चर्चे थे। एक बार वह अपनी पत्नी ललिता से बोला, ललिता इस बार मैं व्यापार करने के लिए जैतपुर राज्य जा रहा हूँ। जैतपुर? जैतपुर तो बहुत सुंदर राज्य है स्वामी, सुना है लोग दूर दूर से जैतपुर भ्रमण करने आते हैं। तुमने ठीक सुना है ललिता, जैतपुर वाकई बहुत खूबसूरत राज्य है। तो स्वामी इस बार यात्रा पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। जैतपुर पहुंचकर आप वहां अपना व्यापार करना और मैं घूम घूम कर जैतपुर का भ्रमण करूंगी। ललिता यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम मेरे साथ जैतपुर चल सकती हो। ठीक है स्वामी, मैं यात्रा पर जाने का अपना प्रबंध कर लेती हूँ। तब किरोड़ीमल ने अपने पुत्र जवाहर को बुलाकर उससे कहा, बेटा मैं और तुम्हारी माँ जैतपुर जा रहे हैं, हम दोनों के पीछे तुम घर और व्यापार का पूरा पूरा ख्याल रखना। अच्छा पिताजी, और सुनो, हम प्रतिदिन दीन दुखियों को दान देते हैं, हमारे पीछे यह क्रम टूटने ना पाए। ठीक है पिताजी, मैं प्रतिदिन आपके स्थान पर दीन दुखियों को दान दिया करूँगा। तब व्यापार हेतु बेशकीमती हीरे जवाहरात, सूखी मेवा व अन्य सामग्री जहाज पर लाद कर किरोड़ीमल ललिता के साथ जैतपुर की ओर चल दिया। ललिता मेरे पास जितना भी धन था मैंने उस धन के हीरे जवाहरात व अन्य सामग्री खरीद कर जहाज में भर ली है। यह सब करके इस बार मैंने बहुत बड़ा दाव खेला है। स्वामी भगवान ने चाहा तो आप अपनी लागत से दुगना धन कमाकर जैतपुर से वापस लौटोगे। जैतपुर पहुंचकर किरोड़ीमल अपने साथ लाए सामान को जैतपुर के बाजार में बेचने निकला। किरोड़ीमल जी, तुम्हारे हीरे तो बहुत बहुमूल्य हैं, इनके क्या दाम लोगे? मैं इन्हें 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचूंगा। जौहरी ने झट उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं गिन दी। दूसरी ओर ललिता जैतपुर के दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़ी थी। ओह, इतना सुंदर व भव्य मंदिर। 15 दिन पश्चात, ललिता मैं जो भी सामान जहाज में भरकर लाया था वह सभी उचित मूल्यों पर बिक चुका है, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है स्वामी, मैं भी जैतपुर के सारे दर्शनीय स्थल देख चुकी हूँ, इसलिए अब यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। उसी दिन वे दोनों अपने जहाज में बैठकर बिंदल नगर की ओर चल पड़े। ललिता जैतपुर में मुझे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, अब मैं लखपति के स्थान पर करोड़पति हो गया हूँ। इस समय मेरा सारा जहाज धन दौलत से अटा पड़ा है। स्वामी मुझे खुशी है कि व्यापार में आपको लाभ ही लाभ हुआ है। अभी वे दोनों इस प्रकार का वार्तालाप कर ही रहे थे कि ललिता समुद्र की लहरों की उठान ऊंची हो रही है, लगता है समुद्री तूफान आने वाला है। ओह अब क्या होगा? तभी एक तेज लहर दौड़ती हुई जहाज की ओर आई। ओह मेरे भगवान रक्षा कर रहा। लेकिन भगवान ने किरोड़ी मल की पुकार नहीं सुनी। तूफानी लहर के वेग से जहाज पानी में उलट गया और पानी में डूबते हुए किरोड़ी मल की चेतना लुप्त हो गई। जब उसकी चेतना वापस लौटी तो वह जहाज के टूटे हुए एक टुकड़े पर पड़ा हुआ समुद्र में तैर रहा था। लगता है समुद्र की लहरें मेरी सारी धन संपत्ति और ललिता को लील गई हैं। अपना सर्वनाश देखकर किरोड़ी मल की आंखों में आंसू आ गए। कई दिन तक वह लकड़ी के तख्ते पर पड़ा हुआ समुद्र में दिशाहीन तैरता रहा। 5वें दिन, ओह लकड़ी का तख्ता तट की ओर बढ़ रहा है, अब मैं बच सकता हूँ। शीघ्र ही लकड़ी का तख्ता तट पर जा लगा। भूख प्यास से निढाल किरोड़ी मल तट पर उतरा। मुझे आगे चलकर किसी से पूछताछ करनी चाहिए कि यह कौन सी जगह है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी नजर आया। भाई इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम नील टापू है। ओह तब तो मैं बिंदल नगर से कुछ ही दूरी पर हूँ। बिंदल नगर यहाँ से केवल 10 कोस दूर है। अतः किरोड़ीमल पैदल ही बिंदल नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी हवेली में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। पिताजी आप इस हालत में? माँ कहाँ है? बेटे कुछ मत पूछो, बस यह जान ले कि हमारा सब कुछ लूट गया है, हम कंगाल हो गए हैं। क्या? हाँ बेटे,
इसके साथ साथ तुम्हारी माँ भी हमारा साथ छोड़कर स्वर्ग को चली गई है। किरोड़ी ने दुखी हृदय से जवाहर को सारी दुर्घटना की जानकारी दी। सारी बात जानकर, पिताजी जो हुआ सो हुआ, आप चिंता न करें, शीघ्र ही हमारे फिर अच्छे दिन लौट आएंगे। आप थके हुए हैं, पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाकर आराम करना। अब हमारी किस्मत में आराम कहाँ है बेटे? किरोड़ी मल ने हाथ मुंह धोकर जैसे तैसे थोड़ा बहुत भोजन किया और जाकर शैया पर पड़ गया। शैया पर पड़ा पड़ा वह सोच रहा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ यह दुर्घटना घटी। सुबह होने पर, पिताजी हवेली के बाहर दान पाने वाले गरीब भिखारियों की भीड़ जुटी हुई है, क्या आज आप उन्हें दान नहीं देंगे? कैसा दान, किसको दान, देखते नहीं कि दान करने का क्या फल मिला है? आज से हम किसी को एक पाई भी दान में नहीं देंगे। हवेली के बाहर खड़े सारे भिखारियों को भगा दो। पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं, बाहर गरीब लोग आशा बांधे खड़े हैं, उन्हें कैसे भगा दूं? ठीक है, यदि तुमसे यह नहीं हो पाएगा तो मैं ही जाकर उन्हें भगा देता हूँ। किरोड़ी मल क्रोध में भुनभुनाता हुआ हवेली के बाहर पहुंचा। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हें इस हवेली से एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिला करेगी। जाओ, भाग जाओ, और आज के बाद कभी इधर की ओर मुंह भी नहीं करना। किरोड़ी मल की फटकार सुनकर सभी गरीब भिखारी मुंह लटकाए वहां से चले गए। तत्पश्चात किरोड़ी मल ने हवेली में वापस लौटकर अपने मुनीम को बुलाकर उसे आदेश दिया, मुनीम जी तुम इसी समय हमारे कर्जदारों के पास जाओ और जाकर उनसे अपना पैसा वसूल करो, इस समय हमें धन की बहुत आवश्यकता है। जी सेठ जी। मुनीम उसी समय कर्जदारों से धन वसूलने चला गया। संध्या को जब वह घर वापस लौटा, क्या बात है मुनीम जी, तुम इस तरह उदास से क्यों हो, क्या कर्जदारों से पैसा वसूल कर लाए? सेठ जी एक बुरी सूचना है, हमारे सभी कर्जदारों ने एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। क्या? हाँ सेठ जी, और तो और उन्होंने यह भी कह दिया है कि उन्होंने आपसे कभी कर्ज लिया ही नहीं था। ओह, यह कैसी बुरी दशा आई है हम पर, कर्जदार भी कर्जा वापस लौटाने से मुकर रहे हैं। किरोड़ी मल परेशान हो उठा। रात को जब वह शैया पर लेटा, मैं पूरी तरह से दिवालिया हो चुका हूँ, बिन धन के अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं जिंदा ही मुर्दे के समान हूँ, ऐसे जिंदा रहने से मौत ही भली, हाँ मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और अपनी हवेली से निकल गया। मैं राज्य के बाहर बहने वाली काली नदी में कूदकर जान दे दूंगा। शीघ्र ही वह काली नदी के तट पर जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदने को उद्यत हुआ, ठहर मूर्ख प्राणी ठहर, सुनकर किरोड़ी ठिठक कर जहां का तहां रुक गया। तब एक महात्मा उसके पास आए। मूर्ख प्राणी, क्या तू आत्महत्या करना चाहता था? हाँ महात्मन, जानता है इस प्रकार अकाल मृत्यु मरने वाले मनुष्यों की क्या गति होती है? नहीं महात्मन, तो तुरंत अपनी आंखें मूंद कर देख, तुझे तुरंत पता चल जाएगा कि आत्महत्या करने वालों की मरने के बाद क्या गति होती है, यह जानने के बाद तू आत्महत्या करने की सोचना। जो आज्ञा महात्मन। किरोड़ी मल ने तुरंत ही आंखें मूंद ली। हा हा हा, हो 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 हो, किरोड़ी मल ने सहम कर तत्काल ही आंखें खोल ली। तब महात्मा ने उससे पूछा, प्राणी तुमने क्या देखा? महात्मन, आंखें मूंदने पर मुझे चीखते चिल्लाते कुछ भूत दिखाई दिए थे। तो सुन मूर्ख प्राणी, ये भूत कभी अकाल मौत ही मरे थे, मरने के तुरंत बाद ये सभी भूत बन गए थे। तो क्या सभी आत्महत्या करने वाले इस प्रकार भूत बन जाया करते हैं महात्मन? हाँ, क्योंकि ऐसी मौत मरने वालों की ना गति होती है ना मुक्ति, क्या तू भी मरने के बाद इन जैसा बनना चाहता है? नहीं महात्मन। तो फिर आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दे। लेकिन मैं जीकर क्या करूँगा महात्मन, मेरा सब कुछ लुट चुका है। प्राणी, अब तक तेरा जो कुछ भी लुटा था वह अब भौतिक था, उसके लुटने पर दुख कैसा? अगर इस बुरी घड़ी में तू भगवत भजन करे और साधु महात्माओं की संगत में जीवन गुजारे तो तेरा अच्छा समय फिर वापस लौट सकता है। अच्छा? हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है। महात्मन, आपकी बातों ने तो मुझे बहुत सहारा दिया है, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कहकर किरोड़ी मल महात्मा के चरणों में गिर गया। तब महात्मा ने उससे कहा, सेठ किरोड़ी मल, तू हमें गुरु मान चुका है, इसलिए तेरा दुख दूर करना अब हमारा परम कर्तव्य है। तेरा दुख दूर करने के लिए
आज से 15 दिन पश्चात हम तेरे पास अवश्य आएंगे। महात्मन, उस अवस्था में मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, 15 दिन पश्चात हम अपने सारे शिष्यों के साथ तुम्हारे राज्य में आएंगे। तब हम जिस स्थान पर ठहरेंगे वह स्थान बिंदल नगर का सबसे सुंदर व शांत प्रिय स्थान होना चाहिए। महात्मन, ऐसा स्थान तो पूरे बिंदल नगर राज्य में एक ही है, वह है बिंदल नगर के राजा बिंदल सेन का राजकीय बिंदल उद्यान। राजा बिंदल उस उद्यान में किसी को नहीं जाने देते हैं। यदि ऐसी बात है तो तुम राजा बिंदल सेन से हमारे ठहरने के लिए बिंदल उद्यान खरीद लो। महात्मन, यह आप कैसी बातें कह रहे हैं? मेरे पास भला इतना धन कहाँ जो मैं बिंदल उद्यान खरीद सकूं? इसकी फिक्र तुम न करो। तब महात्मा ने मंत्र पढ़ा, एक कमंडल उनके हाथ में प्रकट हुआ। उन्होंने वह कमंडल उसे दिया। किरोड़ीमल, जब जब धन के लिए तुम इस कमंडल में हाथ डालोगे तब तब यह कमंडल तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मिलेगा। इस कमंडल के जरिए तुम बिंदल उद्यान आसानी से खरीद सकते हो। तब किरोड़ीमल ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा, गुरुदेव, मैं बिंदल नगर में आपके आगमन की बेचैनी से प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात किरोड़ीमल उसी समय वहां से अपनी हवेली लौट गया। उसी दिन किरोड़ीमल राजा बिंदल सेन के पास पहुंचा। महाराज, 15 दिन पश्चात बिंदल नगर में मेरे गुरुदेव पधारने वाले हैं। उनके धर्मोपदेश से सारे नगरवासी लाभ उठाएंगे। परंतु क्या किरोड़ीमल जी? परंतु ये महाराज कि गुरुदेव और उनके शिष्यों के ठहरने के लिए बिंदल नगर में कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला है। केवल आपका राज उद्यान ही ऐसा है जहां गुरुदेव व उनके शिष्यों को ठहराया जा सकता है। बिंदल उद्यान का वातावरण बड़ा ही शांत है। तुम कहना क्या चाहते हो किरोड़ीमल जी? महाराज, यदि मुझे आपका सहयोग मिल जाए तो गुरुदेव के आवास की समस्या सुलझ जाए। आप अपना बिंदल उद्यान मेरे हाथों बेच दें। किरोड़ीमल की बात सुनते ही बिंदल सेन की भौहों में बल पड़ गए। वह गर्वीले स्वर में बोला, किरोड़ीमल, तुम मेरा उद्यान खरीदना चाहते हो? तुम उसका मूल्य न दे सकोगे? आप उसका जो भी मूल्य मांगेंगे महाराज, मैं उसका वही मूल्य दूंगा। एक बार फिर सोच लो किरोड़ी सेठ, किरोड़ीमल ने बिना एक पल गवाए कहा। महाराज, मैं सब कुछ सोच चुका हूँ। आज से बिंदल उद्यान मेरा हुआ, आपको केवल उसका मूल्य मांगना बाकी है। उसके उत्तर से बिंदल सेन क्रोधित हो उठा। किरोड़ीमल, तुम बहुत उद्दंडता से पेश आ रहे हो। जाओ, मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना उद्यान नहीं बेचूंगा। महाराज, अब आपको बिंदल उद्यान मेरे हाथों बेचना ही होगा, वरना इस मामले को मैं नगर पंचायत में ले जाऊंगा। देख लेंगे तुम्हारी नगर पंचायत को भी। किरोड़ीमल भी हार मानने वाला न था। राजा बिंदल सेन का बिंदल उद्यान खरीदने के लिए उसने नगर पंचायत बुलवाई। पंचायत में राजा बिंदल सेन को भी आना पड़ा। उसकी और राजा बिंदल सेन की जो बातचीत हुई थी वह किरोड़ीमल ने पंचायत को बता दी। अंत में पंचायत से निवेदन किया, पंचो, अब तो केवल महाराज को उद्यान का मूल्य मांगना बाकी है। यह तो वह कह ही चुके हैं कि मैं उद्यान का मुँह मांगा मूल्य लूंगा। तब एक पंच ने राजा बिंदल सेन से पूछा, महाराज, क्या सेठ किरोड़ीमल जो कह रहे हैं वह सच है? क्या आपने किरोड़ीमल से सचमुच ऐसा कहा था? हाँ, मैं मानता हूँ कि किरोड़ीमल से मैंने ऐसा कहा था। महाराज, तब तो आपको किरोड़ीमल सेठ के हाथों बिंदल उद्यान बेचना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी बात से नीचे गिरेंगे और यह बात एक राजा के लिए कभी शोभा नहीं देगी। बाकी पंचों ने भी बिंदल सेन से यही कहा। तब बिंदल सेन ने क्रोध में भरकर कहा, हम पंचायत के फैसले को नहीं मानेंगे। राजन, ऐसा करके आप न्याय के साथ अन्याय करेंगे। याद रखिए राजन, न्याय के साथ बिंदल नगर की सारी प्रजा है और अन्याय के साथ केवल आप। तभी भीड़ एक स्वर में चिल्ला उठी, हम सब सेठ किरोड़ीमल के साथ हैं। महाराज को किरोड़ीमल के हाथों बिंदल उद्यान को बेचना ही होगा। यह सुनकर बिंदल सेन चौंका, सब लोग किरोड़ीमल के साथ हैं। ऐसी हालत में मुझे बिंदल उद्यान किरोड़ीमल को बेचना ही पड़ेगा। कोई चारा न देखकर बिंदल सेन ने पंचों से कहा, पंचो, मैं किरोड़ीमल के हाथों बिंदल उद्यान बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महाराज? किरोड़ीमल का बिंदल उद्यान के केवल उतने ही भाग पर अधिकार हो सकेगा जितने भाग को ये स्वर्ण मुद्राओं से ढक देंगे।
उतनी स्वर्ण मुद्राएं ही उद्यान के उस भाग का मूल्य होंगी। अब पंचों ने किरोड़ीमल से पूछा, सेठ किरोड़ीमल, तुम्हें महाराज की शर्त स्वीकार है? मुझे महाराज की शर्त स्वीकार है पंचो, लेकिन सेठ किरोड़ीमल, तुम बिंदल उद्यान को ढकने के लिए ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाओगे? तुम तो दिवालिया हो चुके हो। पंचो, यह मेरी सोचने की बात है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।